हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज एसएसबी पार्ट 2 आईबी सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 33 है। हम फंक्शंस के रिलेटेड पढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं एसक्यूएल में। स्टूडेंट, आपने फंक्शंस देखा था कि फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड कमांड सेट। ये प्री डिफाइंड कमांड सेट है, प्री डिफाइंड कमांड सेट which performs operations, which perform operations and return a single value. Student, हमने जो भी functions देखे अभी तक, जिसमें फंक्शंस बेसिकली टू टाइप्स के थे। टू टाइप्स में आपके पास सिंगल रो फंक्शन था और मल्टीपल रो फंक्शन था। पहले दिन हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में करा था कि मल्टीपल रो फंक्शंस क्या होता है। मल्टीपल रो फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको एग्रीगेट फंक्शंस भी कहा जाता है। तो एग्रीगेट फंक्शंस के बाद फिर आ गया था सिंगल रो फंक्शन। तो सिंगल रो फंक्शंस को हम अभी तक स्टडी कर रहे हैं। सिंगल रो फंक्शंस आपके बहुत सारे टाइप्स के थे, जिसमें सिंगल जो मल्टीपल डाटा आपका जो आपकी जो दर्ज होती है वैल्यू, वो या तो कैरेक्टर में होती है या वो नंबर्स में होती है। सिंगल रो जो फंक्शन थे वो फिर से टू टाइप्स के थे। केस मैनिपुलेटिव फंक्शन, और उसमें हमने देखा था कैरेक्टर फंक्शन। एक कैरेक्टर फंक्शन होते हैं, एक डेट फंक्शन होते हैं, टाइम फंक्शन होते हैं, ये सब चीज़ें। तो अभी तक जो हमने कराया है, जिसमें हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया, जिसमें हमने डेट फंक्शन से पहले जो डिस्कस किया, वो किया हमने केस मैनिपुलेटिव फंक्शन और कैरेक्टर मैनिपुलेटिव फंक्शन। केस मैनिपुलेटिव और कैरेक्टर मैनिपुलेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस था। केस मैनिपुलेशन फंक्शंस और नंबर टू था कैरेक्टर मैनिपुलेशन। ये सब चीजें जो हमने करी कैरेक्टर और केस मैनिपुलेशन फंक्शन में, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की कमांड्स यूज होती थी, जिन कमांड्स को यूज करके हम डाटाबेस को एक्सेस करते थे और किस तरह से उसकी जो चेंजिंग होती थी। आज का टाइम जो है, आज हम करने जा रहे हैं दैट इज डेट फंक्शन। कैरेक्टर फंक्शन तो हमने डिस्कस कर दिया कि कैरेक्टर में किस तरह से चेंज हो जाती है, कि आपके पास कोई स्टेटमेंट होगी, मान लो कोई स्ट्रिंग होगी या कोई कैरेक्टर होगा, उसके सारे के सारे लेटर्स अल्फाबेट जो है लेटर्स होंगे वो कैपिटल्स में होंगे, तो और लोअर लगाएंगे तो उससे सारे के सारा आपका जो लेटर है वो पूरे का पूरा वो कैपिटल में बन जाएगा, दैट इज अपर में चेंज हो जाएगा। तो अपर है तो लोअर में चेंज कर सकते हो, लोअर है तो अपर में। उसमें इंग्लिश भी पढ़ा आपने, पहले वाला लेटर जो कैपिटल रहेगा दूसरे स्मॉल हो जाएंगे। इसी तरह से कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन में भी आपने डिस्कस किया। आज के जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे डेट्स के ऊपर आधारित हैं, जिसमें आपके पास डेट फंक्शंस क्या होते हैं कि आपकी डेट्स में जो भी मैनिपुलेशन करनी हो रिकॉर्डिंग टू डेटाबेस। आपका डेटाबेस जो भी एसक्यूएल में रहता है उसमें बहुत सारी टाइप्स की डेट्स होती हैं। क्या करंट डेट कितनी है, आज के बाद 10 दिन के बाद कौन सी डेट आएगी, उस टाइम को कितनी डेट थी, उस डे को कितना डे था, 5 महीने के बाद कितनी डेट आने वाली है, इससे पहले कितनी डेट आने वाली है, 5 मंथ बिफोर कितनी आने वाली है। तो ये सब चीज़ें हमें एसक्यूएल के बैकएंड पे चाहिए, क्वेरी चाहिए, जिसमें आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि नेस्टेड लूप और लूप्स जब भी आप फंक्शन में यूज़ करते हैं तो इन फंक्शन का इस्तेमाल उसके साथ किया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट फंक्शन हमारा सबसे पहला है, जिसमें हम क्या करते हैं कि गेट डेट, गेट डेट। गेट डेट का मतलब है स्टूडेंट कि आपकी जो डेट है वो करंट डेट कितनी है। करंट डेट का पता चले कि करंट डेट कितनी है। करंट डेट को यूज करने के लिए हम गेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इट रिटर्न्स ए करंट डेट, इट हेल्प्स यूजिंग दी। ये हमें क्या करता है कि करंट डेट बताता है। करंट डेट ऑफ द डे, तो इसको यूज किस तरह से किया जाएगा, इसका सिंटेक्स कैसे लिखेंगे हम। सिंटेक्स लिखने से के लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट गेट डे सिलेक्ट गेट डे लिख दिया आपने। अब आपको डेट मेंशन करनी है जब आपने स्ट्रिंग लगाई है,
या कोई डे लगाया हुआ है, जो भी आपने यूज किया हुआ है उसको आप यूज करेंगे, जिससे आपकी करंट डेट आएगी कि आज डेट कितनी है। डी एम डेट, तो मान लो जिस तरह से आज आपकी है 18 ऑफ जून, 18 ऑफ मई 2020। अब ये फॉर्मेट ये भी हो सकता है, या तो इस तरह से डेट आ सकती है आपको 2020, ये वाई 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 मंथ डे एम मंथ, तो आपका मंथ है 5 और 18, जिस तरह से आप मेंशन करना चाहें इस तरह से करंट डेट शो होगी आपकी। नंबर टू में आपके पास रहता है कि ऐड डेट, डेट ऐड कर दूंगा आपको, डेट ऐड। डेट ऐड जो फंक्शन है उसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट लिखेंगे डेट ऐड। डेट ऐड में आपने कोई डेट डाल दी, उसमें आप कोई डेट ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि एक डेट मेंशन की है जिसमें आपके पास है 15/3/2019। मैं कामा करके लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि 5, क्या हो कि ये एक डेट है, इस डेट के इस डेट में ऐड किया जा रहा है 5, तो 5 मंथ ऐड कर रहे जा रहे हैं इसमें। 5 मंथ में ऐड करने से क्या बन जाएगा, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट हो जाएगा 5 मंथ ऐड कर रहे हैं दैट इज 4, 5 और 8 आ जाएगा दैट इज 15/8/2019, 15/8/2019, ये इसका आउटपुट आएगा। ऐड डेट करने से क्या हो रहा है कि आपको 5 मंथ आगे बढ़ा के देखना है कि आपकी डेट कितनी आ गई, एग्जैक्ट डेट आपको पता चलेगी एसक्यूएल में। थर्ड, इसी तरह से ऐड जो है ऐड के साथ आप सबट्रैक्ट भी यूज कर सकते हो, सबट्रैक्ट में आपको -5 लेना है, -5 में क्या होगा कि 5 जो 5 मंथ है वो बिफोर हो जाएगी, 5 मंथ बिफोर होने का मतलब है 2018 में चला जाएगा और ये डेट आपकी आ जाएगी 10/15/10/2018, तो इस तरह से माइनस भी हो सकता है, उसको ऐड की जगह पे सबट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। आपकी है डेट डिफरेंस, डेट डिफरेंस, इसको मैं क्वेरी इसको कैसे लगाऊंगा, सिलेक्ट, सिलेक्ट में आप लिखेंगे डेट डिफरेंस, सिलेक्ट डेट डिफरेंस लिखा। अब आपको क्या करना है कि टू डेट्स डालनी है, उन दोनों डेट्स का आपस का जो डिफरेंस है वो पता चलेगा कि उन दोनों डेट्स में कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आप एयर वाला मोड लेना चाहते हो 2019 5 आपका एयर मंथ और डेट आएगी, एयर मंथ और डेट, तो मान लो 20 लिख दिया हमने, एक डेट डाल दी और दूसरी डेट डाल देते हैं 2019 8/2020, इस तरह की दो डेटें डाली गई हैं। अब इसमें ये क्वेरी आपको करेगी क्या कि इन दोनों डेटों में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास अलग अलग डेज हैं, अब मैंने यहाँ पे 8 लिखा था, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो 0 आएगा, मैंने यहाँ पे 8 लिखा हुआ है दैट मींस आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 मंथ का डिफरेंस है, तो आपके पास जो इसका आउटपुट आएगा दैट इज 3। लेकिन ये तो मैंने सिंपल बताया आपको कि इस तरह की डेट है, लेकिन आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स डेट लिखी हुई है उस डेट में 5 ईयर का 4 ईयर का कुछ मंथ का जो भी डिफरेंस आ रहा है, तो आपको ऐसे डिफरेंस फाइंड करना है दो डेटों का, दो डेटों का फाइंड डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप डेट डिफर डेट डिफरेंट क्वेरी लगाओगे एसक्यूएल में, ये जो फंक्शन है जिससे आपके आपकी जो दो डेटें हैं उनका बीच का जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा।
ऐसी बहुत सारी और क्वेरीज हैं जिनको आप लगा सकते हो डिस्टेंट रेट के अलावा। जिसमें आपको मान लो नेक्स्ट फोर्थ वन पे करना हो, करंट रेट करनी हो, करंट रेट हमने पहले भी कर दी, सी यू आर के नाम से भी लिखते हैं इसको करंट डेट। आपको पता नहीं है, आपको डेट फाइंड करनी है तो करंट डेट लिखनी है। इस तरह से सेलेक्ट का ऑप्शन यूज करके इसको यूज करें, सेलेक्ट सी यू आर डी टी। तो आपने जो भी डे डाला हुआ है आपको करंट डेट पता चल जाएगी, इसकी करंट डेट है, करंट डेट मेंशन करने के लिए किया जा रहा है। अब आपके पास है लास्ट डे, लास्ट डे, लास्ट डे भी इसी की कमांड है कि आपको डेट बताई जा रही है लास्ट डे। लास्ट डे कमांड को यूज करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट के बाद यहां पे लिखना है लास्ट डे, अब किसका लास्ट डे आपको चाहिए, आपको कमांड में मेंशन करना है पहले लास्ट डे चाहिए तो किस चीज का चाहिए। मैं लिख रहा हूं यहां पे फिफ्थ ऑफ मार्च 2020, दैट इज मार्च मंथ का फिफ्थ ऑफ मार्च दिया है, तो इसका लास्ट डे कौन सा होगा, मार्च मंथ का जो लास्ट डे है वो कौन सा होगा, दैट इज आउटपुट क्या आएगा। मार्च मंथ में कितने डेज होते हैं हमारे पास, 31st, इस तरह से आप मेंशन करेंगे कि ये हमारा आउटपुट आ गया। सिक्स नंबर पे जैसे लास्ट डे किया, लास्ट डे के बाद मंथ बिटवीन भी आएगा कि मंथ बिटवीन क्या है, एयर बिटवीन है, मंथ बिटवीन है, मंथ बिटवीन का इस्तेमाल भी आप ऐसे ही करेंगे कि आपके पास दो डेट्स पड़ी हुई हैं, उन दोनों डेट्स के बीच में कौन सा मंथ है, मंथ बिटवीन है, और एयर बिटवीन भी आ सकता है कि दो दो डेट्स के बीच में कौन कौन सा एयर और कितने एयर्स आपके पास हैं। सेलेक्ट करेंगे आप, सेलेक्ट के बाद मंथ बिटवीन, मंथ बिटवीन में आपको यू हैव टू मेंशन डेट्स। अब डेट्स में आपको फॉर्मेट कोई भी ले सकते हो, किसी भी किस्म का कोई फॉर्मेट लेना है आपने, जो भी फॉर्मेट तो यूज करो। आईएसटी मोस्टली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी लेते हैं, या एएसटी भी लेते हैं, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, जो भी टाइम आप मेंशन करना चाहते हैं इसके अपने एसक्यूएल क्वेरी में। तो मैं लिख रहा हूं वहां पे हमने 15 19 19, ये एक डेट डाली है। अब सेलेक्ट मंथ बिटवीन, इसके और आगे वाली डेट के बीच में कितने मंथ आ रहे हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं 1 12 19। अब आपको जितने इस डेट और इस डेट के बीच में कितने मंथ हैं उन मंथ को आपको आउटपुट में बताना है, तो आउटपुट आपका आएगा ये 15 था 90 और ये 112 है, दैट इज 7 मंथ आपके बीच में आ रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेरी आपको बताएगी कि इन दोनों के बीच में कितने मंथ्स अवेलेबल हैं। ये वाली डेट थी, अब इसके अलावा डेट्स की और भी है जिसमें टाइम भी है कि टाइम फंक्शन क्या होते हैं, टाइम फंक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे डेट के साथ, लेकिन अभी हम फिलहाल डेट का देख रहे हैं कि डेट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट डे यू हैव टू मेंशन नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे कमांड आपकी किस काम आएगी, आपको उस डेट के आगे वाला डे,
दैट मींस अगर आपने संडे मेंशन किया है, इस डेट को अगर संडे है तो नेक्स्ट संडे किस डेट को आएगा या किस डेट को ये वाला संडे आया हुआ है, नेक्स्ट डे आपको बताना है कि दूसरा डे किस डेट को आएगा, तो सिलेक्ट करके नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे में आपने क्या लिखना है, डेट लिखनी पड़ेगी पहले, और डेट के बाद आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सा डे लेना चाहते हो। मान लो आपके पास 23rd अप्रैल है, 23rd अप्रैल लिखा है आपने 1990, इस दिन को अगर संडे था तो नेक्स्ट संडे इस डेट के बाद कब आ रहा है, क्योंकि या तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओरेकल की क्वेरी में आपको यही चीजें, आपके पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो आपको ये ट्रेस करना है कि ये वाली कॉल इस संडे को हुई थी तो नेक्स्ट संडे को कब हुई होगी या नेक्स्ट वाले संडे को कौन सी डेट आ रही हो, तो आपको मैनुअली ना करना पड़े, आप क्वेरी से ही इसको चेक करो, तो आपको इसका जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट आएगा कि इसके बाद ये खुद कैलकुलेट करेगा कि आपका जो 23rd अप्रैल को अगर संडे था तो अब दूसरा वाला संडे कब आ रहा है, दूसरे वाला संडे किस डेट को आएगा, तो आपका इस तरह से जो भी आउटपुट होगा अकॉर्डिंगली आएगा 28 या 30 अप्रैल को फिर से संडे होगा। इससे आपने क्या किया कि नेक्स्ट डे को डिफाइन किया कि जो नेक्स्ट डे हमारा कब आ रहा है। सेम ऐसे ही आपके पास और कमांड है जिसमें डे ऑफ द मंथ है, तो डे ऑफ द मंथ आपको मेंशन करना है कि कौन सा डे ऑफ द मंथ है, डे ऑफ द मंथ, कोई एक मंथ है जिसमें डेट आपको बताई हुई है लेकिन आपको डे बतानी है कि ये इस मंथ को ये कौन सा डे होगा, तो डे ऑफ द मंथ को डिफाइन करने के लिए आपको इसी तरह से क्वेरी लेनी है, सिलेक्ट सिलेक्ट डे ऑफ द मंथ सिलेक्ट डे ऑफ द मंथ। अब आपको यहाँ पे डेट्स को मेंशन करना है, डेट्स को मेंशन करने से ये पता चलेगा कि सिलेक्ट डे ऑफ द मंथ, तो आपके पास अगर 2019 है यहाँ पे 5 है यहाँ पे 3 है, आपको ये बतानी है कि ये संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, कौन सा मंथ होगा, तो आपको इससे ये पता चलेगा कि 5-3 यहाँ पे मंथ है और ये डेट है, तो डेट का मतलब है कि थर्ड डेट है। यहाँ पे अगर आप ये चीज चेक करें तो इसमें जो भी वीक्स होते हैं और डेज होते हैं वो डिफाइन किया गया होता है और एक्चुअल में पहले से, जैसे 1 को ये संडे मानता है, अगर आपके पास 1 है कहीं पे दैट इज संडे, एग्जांपल के तौर पर इसको जो भी डिफाइन किया गया होगा और जो आगे मंडे होगा ट्यूसडे होगा ऐसे ही इसी तरह से रहेगा जो भी डिफाइन इसको किया गया है, तो यहाँ पे आपके पास जो भी इसका आउटपुट आएगा अकॉर्डिंगली कोई आउटपुट बताएगा दैट इज संडे मंडे ट्यूसडे। एट्थ वन आपके पास है डे ऑफ द वीक, ये इस वीक का कौन सा डे है, इस हफ्ते का कौन सा दिन है, डे ऑफ द वीक भी कमांड इस तरह से यूज होती है, दोनों में ये फंक्शन है, इसको क्वेश्चन को इस तरह से लिखना पड़ेगा, इस तरह से आप उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट डे ऑफ द वीक, इस वीक का ये कौन सा दिन होगा वो आपको बताना है, जिसमें आपको मेंशन कर देना है 2019, 7 और 10, तो ये
आपको बताएगा कि डे ऑफ द वीक उस हफ्ते का ये कौन सा दिन है, अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट आएगा। टेंथ कमांड है जिसमें डे ऑफ द ईयर आपको बताएगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि डे ऑफ द वीक में क्या होगा, कि डे ऑफ द वीक में आपको ये जरूर पता चलेगा कि जो फर्स्ट डे 1 इज इक्वल टू संडे होगा, 2 इज इक्वल, क्योंकि 7 डेज टोटल होते हैं, तो 2 इज इक्वल का मतलब है मंडे, ऐसे 3 का मतलब है ट्यूसडे, ऐसे 7 का मतलब होगा सैटरडे। जी इसको एक्सप्लेन करके पहले से रखा और रिटर्न दिया हुआ। तो अगर ईयर की बात करें तो डे ऑफ द ईयर अगर आपको फाइंड करना है कि डे ऑफ द ईयर क्या होता है, डे ऑफ द ईयर अगर फाइंड करना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट डे ऑफ द ईयर। अब आपको लगाना है कि आपको डे मेंशन करना है कि कौन सा डे है इस साल का, ये कौन सा डे है। तो आपको बताएंगे अगर जिस दिन फर्स्ट डे फर्स्ट 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 जन है, मान लो कोई भी डे है, डे न्यू ईयर आता है, तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको 1/1/2020, ये फर्स्ट डे, दैट इज फर्स्ट डे ऑफ दिस ईयर। ऐसे अगर 2 डेट होती तो सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, लेकिन अगर आपके पास कोई लंबी डेट आ गई है, मान लो इस तरह से लिखा हुआ है 23/2/2020, अब आपको अगर बताना है कि ये कौन सा डे होगा इस साल का, तो ये आपका कौन सा डे होगा, आपको पता है 31 जनवरी में 31 डे 31 डे होते हैं, वो सिस्टम को पहले से पता था, तो उसके बाद 23 डेज और ऐड किए हैं, दैट इज 31 + 23 = 4 और 5, तो ये आपके आउटपुट में ये रिप्लाई करेगा, दैट इज द 54th डे ऑफ द ईयर, ये 54th डे होगा इस साल का। तो इस तरह से ये जो डेट फंक्शन के एसक्यूएल में जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, डेट फंक्शंस का, डेट फंक्शंस यूज होते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा टॉपिक रहता है, इसमें टाइम फंक्शन को थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, इसमें कन्वर्जेंस भी है, तो हमने कैरेक्टर फंक्शन, स्ट्रिंग, टाइम, केस मैनिपुलेशन, इन सभी चीजों को अभी तक हम कर चुके हैं। अभी जो थोड़ा सा रेस्ट ऑफ पोर्शन इसका बचता है उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। आज हमने जो डेट फंक्शंस किए जिसमें डिफरेंट टाइप्स की डेट को कभी भी यूज करना हो या प्रेडिक्ट करके बताना हो कि इस डेट से आगे 5 मंथ डेट कौन सी आने वाली है, इससे पहले कौन सी आ रही है, आज कौन सा दिन है, नेक्स्ट वीक में कौन सा दिन होगा, इस साल का कौन सा वीक है, कौन सा डे है इस ईयर का, ये सब चीजें डेट फंक्शन से द्वारा बताई जा सकती है। तो कल फिर मिलेंगे दूसरा टॉपिक लेके, तब तक के लिए नमस्कार।